यूट्यूबर और बिग बॉस के विजेता रहे एल्विश यादव सुर्खियों में हैं। उन पर रेप पार्टी के आरोप लगे हैं। ऐसे आरोप हैं कि इस पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में एल्विश यादव ने खुद को बेकसूर बताया है और जांच में सहयोग की बात कही है। लेकिन आखिर ये एल्विश यादव हैं कौन? वो इतनी चर्चा में क्यों रहते हैं? चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया में जो जानकारियां हैं वो बताती हैं कि एल्विश हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं, आलिशान घर के मालिक हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोज बनाते हैं। बीकॉम के छात्र रहे एल्विश के परिवार वाले चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करें, लेकिन 2016 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। आज की तारीख में उनके चैनल पर करीब 14 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, वो एक भव्य बंगला बनवा रहे हैं और कई करोड़ के मालिक भी हैं। बिग बॉस में एल्विश ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली, जीत हासिल की और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। 25 लाख रुपए उन्हें इनामी रकम के तौर पर मिले। बिग बॉस जीतने के बाद उन्होंने एक लाइव शो किया था जिसमें करीब 3 लाख से भी ज्यादा फैन जुटे थे। उनके अभिनंदन समारोह में खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी एल्विश अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने पुलिस में एक FIR दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अनजान नंबर से उन्हें 1 करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल आया था। अब ताजा मामला नोएडा से सामने आया है जिसमें कहा गया है कि एक रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्टर 51 में ये पार्टी चल रही थी। मौके से 9 सांपों को भी बरामद किया गया है। FIR एक संस्था की ओर से दर्ज कराई गई है। इसी पार्टी से एल्विश का नाम भी जुड़ रहा है। 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने इस मामले में कहा कि काफी वक्त से एक शख्स पर नजर है जो अपने वीडियो में अक्सर सांपों का इस्तेमाल करता है। ऐसा करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। बाद में ये भी पता चला कि ये शख्स इन सांपों का जहर बेचता है। ये शख्स सांपों के जहर की सप्लाई करता है गुरुग्राम और नोएडा में। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। खुद पर लगे तमाम आरोपों पर एल्विश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से मैडम ने आरोप लगाए हैं उस हिसाब से माफी भी तैयार रखें। एक वीडियो भी एल्विश ने जारी किया जिसमें कहा कि मैंने सुबह उठकर देखा कि मेरे खिलाफ कैसी कैसी खबर फैल रही हैं, कई आरोप लग रहे हैं। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सब फेक हैं, इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं यूपी पुलिस के साथ पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हूं। आगे बोलते हुए यादव ने कहा कि मैं यूपी पुलिस प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि अगर इस मामले में मेरा 1% भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इन आरोपों से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आगे देखना यह होगा कि इस मामले में क्या होगा। इससे जुड़ी हर अपडेट आपको न्यूज नेशन पर मिलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए न्यूज नेशन।